हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी नाश्ता रेसिपी में। तो आज हम बनाएंगे बथुए का साग और एकदम अलग और नई तरीके से। तो ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप वीडियो पूरी देखेंगे तभी आपके अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरी देखना तभी आप इस रेसिपी को बनाना। तो यहाँ देखिए, हमने बथुए की साग बनाने के लिए ये बथुआ लिया था। तो पहले हमने बथुए को अच्छे से साफ कर लिया था, उसके बाद हमने इसको धो लिया था। धो करके इसके पानी को हमने सुखा लिया था। तो यहाँ आप हरी सब्ज़ी, कोई सी भी सब्ज़ी बनाए तो पहले उसको धो ले, तो उसमें जो भी मिट्टी वगैरह रहती है वो सब निकल जाती है। तो चलिए, अब लेते हैं हम यहाँ एक कुकर। तो कुकर में सारे बथुए को हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ देखिए, जितना भी हमारा बथुआ था उसको हमने कुकर में डाल दिया है। तो बथुए को कुकर में डालने के बाद में हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है। थोड़ा सा पानी डाल करके हम कुकर को गैस के ऊपर रख देंगे और इसका ढक्कन नहीं लगाना है। हमें इसको ऐसे ही पका लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ देखिए, हमने कुकर में सारा जितना भी बथुआ था उतना डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हम गैस के ऊपर रख देंगे। तो बथुआ बहुत ही जल्दी पक कर के तैयार हो जाता है। तो थोड़ी देर बाद हम चेक करेंगे, तो देखिए बथुआ हमारा अच्छे से पक कर के तैयार हो गया है। तो यहाँ देख सकते हैं, बथुआ हमारा देखिए अच्छे से पक गया है, आप देख सकते हैं। तो अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, हमने बथुए को एक बर्तन में निकाल लिया। और जो बथुए का पानी है उसको आप आटा गूंथने में या फिर किसी भी काम में ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए, बथुए को हमने एक बर्तन में निकाल दिया और इसको हल्का ठंडा होने देंगे। जब ये हल्का ठंडा हो जाए तभी हमें इसको पीसना है, गरम गरम को इसको हमें नहीं पीसना है। तो यहाँ देख सकते हैं, ये हल्का ठंडा हो गया है। तो अब इसको मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसका पेस्ट बना करके हम तैयार कर लेंगे। तो एक बार में हमें नहीं पीसना है, तो यहाँ हम इसको दो बार में पीस करके तैयार कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा बथुए का पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से जो बाकी का बचा हुआ बथुआ उसको भी हम पीस लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, इसी तरीके से हमने सारे पेस्ट बना करके तैयार कर लिया। तो इसको अब एक बर्तन में निकाल लेंगे हम। तो यहाँ देख सकते हैं, पेस्ट हमारा बन करके तैयार हो गया। तो अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, गैस के ऊपर हमने एक कढ़ाई रख दी थी, उसमें डाल दिया था तेल। तो तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे, उसके बाद इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा जीरा। तो यहाँ देख सकते हैं, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया था, इसमें हमने थोड़ा सा जीरा ऐड कर दिया। साथ में ऐड कर देंगे प्याज और हरी मिर्च। तो प्याज और हरी मिर्च को थोड़ी देर के लिए हम तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ अब इसमें डाल देंगे हम लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ लहसुन को डालने के बाद में एक बार लहसुन को भी इसमें अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे हम बारीक कटे हुए टमाटर। तो इस तरीके से एक बार आप बथुए का साग बनाकर तो खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यह टमाटर को डाल करके टमाटर को भी इसमें अच्छे से मिला लेंगे पहले। और टमाटर के साथ में हम इसमें डाल देंगे मसाले। तो बहुत ही कम मसालों में हम इस साग को बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ इसमें डाली हमने थोड़ी सी लाल मिर्च और साथ में ऐड कर देंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर।
तो हरी सब्ज़ी में ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करते हैं, तो हमने इसमें ऐड किया बस लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। तो सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद इनको अच्छे से पकने देंगे। तो मसाले को हमें बिल्कुल अच्छे से पकने देना, तभी हमारी सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा आएगा। तो यह मसालों को हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, तो मसाले हमारे पक करके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं मसाले हमारे, देखिए कितने अच्छे से पक करके तैयार हो गए हैं। तो एक बार हम मसालों को अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो ज़्यादा पानी नहीं डालना हमें इसमें, थोड़ा सा ही पानी ऐड कर देंगे और मसालों में अच्छे से मिला लेंगे और पानी में एक बॉईल आने देंगे, तब तक हम अच्छे से इसको पका लेंगे। तो अब इसमें ऐड कर देंगे हम स्वादानुसार नमक। नमक डाल करके एक बार इसको अच्छे से मिला लेंगे, तो नमक को भी हम मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक देंगे, तो थोड़ी देर के लिए अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ देखिए पानी में अच्छे से बॉईल आ गया है, तो एक बार इसको हम चम्मच से अच्छे से चला लेंगे, उसके बाद में डाल देंगे इसमें जो हमने बथुए का पेस्ट बना करके तैयार किया था। तो जितनी भी आपको पेस्ट की सब्ज़ी बनानी है उतना आप इसमें डाल दें। तो मैंने इसको थोड़ा सा रख लिया है पेस्ट को, तो इसकी हम एक रेसिपी और बनाएंगे। तो जो हमने बथुए का पेस्ट डाला है उसको पहले अच्छे से मिला लेंगे, इसमें मिला करके हम इसको थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे। तो थोड़ी देर और पका लेंगे तो उसमें हमारी ये साग बन करके तैयार हो जाएगा बथुए का। तो यहाँ थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक करके पका लेंगे, तो थोड़ा जल्दी से हमारा साग बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए यह हमने थोड़ी देर के लिए इसको ढक करके पका लिया था, तो देखिए बथुए का साग हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप भी एक बार ज़रूर से बना करके खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और सर्दियों में तो इस सब्ज़ी को बहुत ही ज़्यादा बनाया जाता है। तो हरी सब्ज़ी के साथ में खाई जाती है बाजरे की रोटी या फिर मक्के की रोटी। तो यहाँ हम बना रहे हैं मक्के की रोटी। तो यहाँ हमने लिया थोड़ा सा आटा और इसमें डाल दिया स्वादानुसार नमक। नमक डाल करके हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसका एक डो लगा करके हम तैयार कर लेंगे। तो आप चाहे तो इसकी जगह बाजरे की रोटी भी बना सकते हैं, बाजरे की रोटी के साथ भी ये वाला साग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए पहले हमने आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया पानी डाल करके। अब इसको हम हथेली की सहायता से अच्छे से इस तरह से मसल लेंगे आटे को, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट आटा हो जाता है। इस तरीके से हम आटे को अच्छे से हाथ से मसल लेंगे। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बनाना आप भी इसी तरीके से बाजरे की रोटी बनाते हैं। तो यहाँ देखिए हमने आटे को पहले अच्छे से मसल लिया, उसके बाद हम इसमें से थोड़ा सा आटा लेकर के एक पेड़ा बना लेंगे और रोटी को हम बेल लेंगे। तो यह हम इसको हाथ से बेलेंगे। तो आप चाहे तो अगर हाथ से नहीं बेल रही तो आप इसको पोलोथीन के बीच में रख करके बेलन से भी बेल सकते हैं। बेलन से बेलेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये बेल करके तैयार हो जाएगी। और इस तरीके से हाथ से भी देखिए कितनी अच्छे से हमारी रोटी बन करके तैयार हो गई है। तो इस तरीके से हम रोटी को बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए रोटी हमारी बन करके तैयार हो गई। तो अब इसको हमने डाल दिया तवे पर। तो तवे पर जब एक साइड से अच्छे से सिक जाएगी तो दूसरी साइड इसको पलट करके दोनों साइड से इसको अच्छे से सेक लेंगे। तो देख सकते हैं रोटी हमारी अच्छे से सक गई है। तो अब इसको हम गैस के ऊपर सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं मक्के की रोटी बनाना कितना आसान तरीका है और इसी तरीके से आप बाजरे की रोटी को बना करके सेक सकते हैं। तो देख सकते हैं रोटी हमारी अच्छे से सक गई है। तो इसी तरीके से हम दूसरी रोटी को भी सेक लेंगे। तो देखिए हमने यह जो पहले रोटी बना करके तैयार की थी पहले हम उसके घी लगा करके तैयार कर लेंगे। तो हम इसी तरीके से सारी रोटी बना करके तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही आसान सा तरीका है मक्के की रोटी बनाने का।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ देख सकते हैं हमने इसी तरीके से दूसरी रोटी को भी हम सेक लेंगे। तो यहाँ इसी तरीके से हम जितनी भी हमें रोटी बनानी होगी उतनी हम रोटी बना लेंगे। रोटी बनाने के बाद में हम इसके थोड़ा सा घी लगा लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी दूसरी रोटी भी बन करके तैयार हो गई। तो इसके भी हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे। और इसी के साथ पे रख देंगे जो हमने भतवे का साग बनाया था। तो भतवे के साग के साथ आप भी इस तरीके से मक्के या बाजरे की रोटी बना करके खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। और फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।